बच्चों थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंथ और ब्रेथ दे रखी है मुझे एक रेक्टेंगुलर सॉलिड की जिसका लेंथ है 25 और ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर, और इसका वॉल्यूम भी मुझे गिवन है, ये कितना है 7000 सेंटीमीटर क्यूब है ना, और इसकी हाइट बोली, और सीधे सीधे आपको देखो वॉल्यूम गिवन है, आपको लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो भैया सीधे सीधे लगा दो वॉल्यूम किसका, क्यूबॉइड का। तो वॉल्यूम होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और मुझे निकालनी हाइट है, और देखो बाकी मुझे सब गिवन है, तो देखो वॉल्यूम लिख लेता हूँ मैं, लेंथ है मेरे बच्चों 25, ब्रेथ है मेरे बच्चों 20, और हाइट मेरे को निकालनी है, तो मैं एच ऐसे लिख देता हूँ, देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट जाएगा, ठीक है, और देखो कुछ हो रहा है, इन दोनों को मैं नीचे फेंक देता हूँ, तो ये देखो 7 0 0 इक्वल्स टू, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाने वाला है, ये 50 हो जाने वाला है इंटू हाइट, फिर जीरो से जीरो कैंसिल, फिर अब मैं इसको नीचे ले आ लूंगा 70/5 इक्वल्स टू हाइट, अब इसको मैं काट देता हूँ, 7 1 जा 7, 7 दो आया और 7 4 जा 20 है ना, तो हाइट आ गई बच्चों कितनी 14 सेंटीमीटर इज माई हाइट, तो हाइट भी कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये, तो बच्चों देखो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं मेंसुरेशन के, बहुत ही इजी होते हैं ये, ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन।